हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत होल डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन दो कलर में बनाई जाती है। इस डिज़ाइन में छोटे छोटे से होल बनते हैं। इस डिज़ाइन को मैंने दो कलर में बनाया है। आप चाहें तो इसे एक कलर में और मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। यह हर तरीके से खूबसूरत डिज़ाइन है। आप इसे न्यू बॉर्न बेबी से लेके जेंट्स तक के स्वेटर में बना सकते हैं। किसी भी कार्डिगन, स्वेटर, जैकेट, हाईनेक, किसी भी वूलन टाइप के मटेरियल पर यह डिज़ाइन बहुत अच्छी जाती है। ये तीन फंदों की डिज़ाइन है और ये दो लाइनों में कंप्लीट होती है। दो लाइनें हम इसको स्पेस देने के लिए बनाते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें चार लाइनें और छह लाइनें भी बीच में बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे दो लाइनों से बनाई है। सबसे पहले हम इसमें फंदे लेंगे। फंदे इसमें हमें 17 लेने वाली हूँ। एक एक फंदा हमारा साइड में चला जाएगा और 15 फंदों पर यह डिज़ाइन पड़ेगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन लेके आने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम 17 फंदे सिलाई में लेंगे। मैं एक ही फंदे से यहाँ पर फंदे ले रही हूँ। इस डिज़ाइन पर आप गिठा वाले फंदे बना सकते हैं, वो बहुत खूबसूरत आते हैं। तो यहाँ पर हम 17 फंदे डाल के सिलाई में पूरे कर लेते हैं। ये 17 फंदे पूरे हो गए हैं। अब हम यहाँ पर सीधा बिनेंगे। हमें इसे बेस देना है डिज़ाइन को, तो यहाँ पर हम पहले पूरी एक सिलाई सीधी बिनेंगे। अगर आप गिठा वाले फंदे डाल रही हैं तो आप पीछे वाली लाइन को उल्टा ज़रूर बिनिए, उसके बाद आप सीधे की तरफ से एक लाइन सीधी बिन लीजिए और एक लाइन उल्टी बिन लीजिए, उसके बाद ये डिज़ाइन डालें। और अगर आप इस तरीके से जैसे मैंने फंदे डाले इस तरीके से डाल रही हैं तो आप डायरेक्ट सीधी लाइन बिन के और पीछे उल्टी लाइन बिन के डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी पूरी लाइन सीधी बिनेंगे। और उसके बाद हम इस लाइन को उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी लाइन हम उल्टा बिनने लगे हैं। और इस तरीके से हम अपनी पूरी लाइन को उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमारी दो लाइनें बन गई, सीधी और उल्टी की। अब हमने दूसरा कलर अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हम डिज़ाइन डालेंगे। तो सबसे पहला वाला फंदा हम सीधा बिन लेंगे कलर चेंज करते हुए। उसके बाद हम एक फंदे में दो बार ऊन लपेटते हुए सिलाई में उसको सीधा बिनेंगे। हर एक फंदे में दो बार ऊन लपेटते हुए सिलाई में हम उसे सीधा बिनेंगे। उस फंदे को हर एक फंदे में दो बार सिलाई में ऊन लपेटना है और उसे सीधा बिन देना है। ये हमारी पूरी लाइन इसी तरीके से बिनी जाएगी। हमें लेना है सीधा फंदा, उसके बाद ऊन को दो बार सिलाई में लपेटना है और उसे सीधा बिन देना है। दो बार ऊन लपेटिए, सीधा बिन दीजिए। सिलाई में दो बार ऊन लपेटेंगे और उसको सीधा बिन देंगे फंदे को। इस तरीके से हमें अपनी पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। सीधा लेते हुए फंदे को सिलाई में दो बार ऊन लपेटेंगे और सीधा बिन देंगे। और लास्ट फंदा हमारा सीधा बिना जाएगा। अब हम उल्टे की तरफ हैं। यहाँ पे हम पहला फंदा उल्टा बिनेंगे और अब हम तीन फंदों को खोलेंगे।
फिर हमें दूसरे सलाई में उसे चढ़ा लेंगे। फिर हम उन तीनों फंदों को एक साथ सीधा लेते हुए एक बार सीधा बिनेंगे। फिर ऊन को हम आगे की तरफ करेंगे, फिर हम इसे एक बार उल्टा बिनेंगे, फिर हम ऊन को पीछे की तरफ करेंगे और फिर हम एक बार इसे सीधा बिन देंगे। यानी कि हमारे यहाँ पर तीन फंदे हमारे सिलाई से उतरे और तीन फंदे हमारे चढ़ गए। हमने तीन फंदे खोले, दूसरी सिलाई में चढ़ाए, फिर हमने दूसरी सिलाई से उनको सीधा लिया सिलाई के अंदर, ऊन पीछे की तरफ किया, फिर एक बार सीधा बिना, फिर ऊन आगे की तरफ किया, फिर हमने एक बार उसे उल्टा बिना, फिर ऊन पीछे की तरफ किया और फिर हमने उसे सीधा बिन दिया। ये हमें उल्टी सिलाई की तरफ करना है। तीनों फंदों को उतारिए, दूसरी सिलाई में लेते हुए हम उसे सीधा लेंगे। जैसा हम सीधा बिनते हैं, फिर हम एक बार सीधा बिनेंगे, फिर ऊन को आगे की तरफ करेंगे, फिर हम एक बार उसे उल्टा बिनेंगे, फिर ऊन को हम पीछे की तरफ करेंगे और फिर हम उस फंदे को एक बार सीधा बिन देंगे। इस तरीके से तीन फंद। तीन फंदे खोलेंगे, एक बार हम उसे सीधा बिनेंगे, एक बार उल्टा और फिर एक बार सीधा बिनते हुए हम ये लाइन कंप्लीट करेंगे। लास्ट के हमारे तीन फंदे हम खोलेंगे, दूसरी सिलाई में चढ़ाएंगे, सीधा ले करेंगे फंदों को और एक बार सीधा बिनेंगे, एक बार उसे उल्टा बिनेंगे और फिर उसे ऊन को आगे की तरफ करके उसे एक बार फिर से सीधा बिन देंगे। यहाँ पर हमारे सारे फंदे बन गए और लास्ट का फंदा हम उल्टा बिन देंगे। यहाँ पर हमारी डिज़ाइन पूरी हो गई। अब हम इसको फिर से दो लाइनें बिनेंगे, इसमें प्लेन सीधी उल्टी, इस तरीके से जो बीच में हमारी जाएगी लाइनें ये वाली, तो हम उसको फिर से बिनेंगे एक बार। यहाँ पर हमें कलर चेंज करते हुए सीधा बिनना है। ये पूरी सिलाई हमारी सीधी जाएगी। हम इसे पूरा सीधा बिन लेंगे सिलाई को और फिर हम इसे उल्टा बिन लेंगे। दो सिलाई हमें बिननी है, सीधी और उल्टी। यहाँ पर हमारी दो सिलाई कंप्लीट हो गई और ये देखिए हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आई है। जब आप इसे पूरी कंप्लीट कर लेंगे पल्ले पे, बहुत खूबसूरत बनकर आएगी ये। आप किसी भी कलर से बना लीजिए, डिज़ाइन हमेशा खिलकर आती है। मैंने इसे वाइट और नेवी ब्लू पर बनाया है। मैंने इसे बहुत तरीके से बनाया है। इस डिज़ाइन को आप कई शेप में दे सकते हैं अपने स्वेटर में। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस किस तरीके से इस डिज़ाइन को अपने स्वेटर में या जो भी आप बना रहे हैं उसमें बना सकते हैं, सीधी सीधी भी और कई अलग अलग तरीक़ों से भी। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए। मेरा वीडियो देखने